देखे कोई तजिया पूजे या कुछ भी करे, हमको उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन कहें धर्म निरपेक्षता का ये मतलब नहीं है अपने धर्म को अपमान करें, अपने धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करें, अपने धर्म के लोग उस तजिया और तलवार से परेशान हो, रोपे रोवे, कल्पे छाती पीटे, उसकी बहू बेटी के इज्जत पर हमला करे, उसके दलित समुदाय के लाश पर गोली चलावे, पेशाब करे, लाठी से पीटे, ये कतई स्वीकार नहीं है। अरे तजिया पूजे या बुर्का पहन ले, तुष्टिकरण की राजनीति में, वोट की राजनीति में जब नौटंकी ही करना है तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी पहचान, अपने टीका का सम्मान, अपने धर्म का सम्मान, अपने हिंदू सनातन के सभी वर्ग का सम्मान, सभी सनातन की जिम्मेवारी है। हम तो सभी धर्म का सम्मान करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम के भाव से चलते हैं, लेकिन अपने धर्म का अपमान कतई स्वीकार नहीं करेंगे। वोट की तुष्टिकरण की राजनीति से हम ये संदेश कतई नहीं देंगे कि तुम हमारे सीमावर्ती क्षेत्र में पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, समस्तीपुर हमारा अल्पसंख्यक हिंदू हो रहा है, डर करके उसकी बहू बेटी को परेशान किया जा रहा है, उसको पलायन के लिए विवश किया जा रहा है, हम तजिया पूज के तलवार चला के बुर्का पहन के उनके मनोबल को कतई नहीं बढ़ा सकते। हम चाहते हैं कि ईमानदारी से धर्म निरपेक्षता की भाव प्रकट होनी चाहिए। मैं रावदी देवी को नहीं, किसी को भी अपने धर्म का अपमान करने का अधिकार नहीं देते हैं। अब किसी का इच्छा ही हो जाएगा हम बुर्का पहनेंगे तो रोकिएगा क्या? सर एक सवाल, किसी का इच्छा है तजिया पूजेंगे, किसी का इच्छा है कि हम किसी दूसरे धर्म के हिसाब से टोपी पहन के चले, लेकिन अपने धर्म का अपमान न करें इस तरह से। एक सवाल है।